बेगम कुलसुम नवाज लंदन में इंतकाल कर गयी। साबिक खतून अव्वल गुज़िश्ता एक साल से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी। इस मौका पर उनकी मैयत को लंदन की रिजेंट पार्क मस्जिद में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ से इनके जस्ते खाकी को जुमेरात के रोज PIA की परवाज से लाहौर लाया जाएगा। बेगम कुलसुम नवाज के इंतकाल के बाद इनके साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के मुतालिक सवाल उठाया जा रहा था की क्या वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं। इस हवाले से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने बेगम कुलसुम नवाज की आखिरी रसूमात के मौका पर हसन और हुसैन नवाज के लिए हफाजती जमानत का मुतालबा कर दिया। साबिक वजीर आजम का कहना है कि मेरी बीवी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके बेटे ही उनको कब्र में उतारें, इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूँ कि हसन और हुसैन नवाज की वतन वापसी को मुमकिन बनाने के लिए उनकी हिफाजती जमानत दी जाए और ये भी यकीन दहानी करवाई जाए कि उनका नाम ECL में नहीं डाला जाएगा। ताहम साबिक वजीर आजम के इस मुतालबे पर हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म का रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया। इजहाक यूनस 5 News, Lahore।